सब बढ़िया मौज में कट रही होगी जिंदगी। सब्सक्राइब मारो अपने चैनल को और हाँ उस बेल आइकन को भी प्रेस करना। अपना चैनल भाई पीकेपी को सब्सक्राइब मारो। आज हम ना चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब तुमको इस चैप्टर का नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है। तुमको जैसे पता है हम हर चैप्टर का तुमको मतलब समझाते हैं, उस चैप्टर के नाम का मतलब समझाते हैं। अब देखो सबसे पहले हम ना इस चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। देखो डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? अगर तुम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखो तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब थोड़ा सा नहीं काफी चीजों में फैला हुआ होना, डाइवर्सिटी होना। बोलते नहीं है हमारी इंडिया में, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें रिलीजन्स की डाइवर्सिटी है। मतलब बहुत तरीके के रिलीजन्स मिलते हैं हमको कहां पे, इंडिया में देखने को। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या कि हमें कितने तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जो लोग लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब चलो उसको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर के बारे में समझते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है और तुमको एक चीज बता दूं, सेम चैप्टर, चैप्टर नहीं पूरी यूनिट क्लास 11th में है बायोलॉजी में। अगर तुम बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो तुमको ये बहुत हेल्प करने वाला है चैप्टर, और मैथ्स में हो तो समझ लो क्योंकि कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। मजे आएंगे तुमको इस चैप्टर समझने में बहुत अच्छे से। अच्छा, और देखो तुम्हारे स्कूल में इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे तो उसी हिसाब से पढ़ना, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, फिर बोल रहा हूं। अच्छा, अब तुम जरा सोच के देखो डिफरेंट तरीके की लाइफ फॉर्म्स के बारे में, डिफरेंट तरीके की लाइफ फॉर्म्स के बारे में, मतलब कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइफ फॉर्म्स। अब लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या है? अच्छा चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम अपने आसपास देखो, क्या देखे हम अपने आसपास? तुम अपने आसपास में ये देखो, अभी तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? तुम्हारा फ्रेंड बैठा है, टेबल बैठी है, चेयर बैठी है, या बेड बैठा है? कुछ तो बैठा होगा, कहीं पे ना कहीं पे तो तुम बैठे होगे। तो क्या वो फ्रेंड तो लिविंग है, बट क्या वो बेड लिविंग है? अच्छा नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। तुम एग्जाम्पल के लिए क्या लेके देखो, तुमने लिजार्ड देखी है घर में? लिजार्ड, अरे छिपकली, छिपकली देखी है? छिपकली को देखो और अपने आप को देखो, कितना डिफरेंस है। चलो इस एग्जाम्पल से भी हमको सही से क्लियर नहीं हुआ। अब तुमको ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, तुम कहोगे पहले क्यों नहीं दिया ये एग्जाम्पल। अच्छा तुम अपने बारे में सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है, और अपने दोस्त के बारे में सोचो, ठीक है। अब चलो तुम अपने आप और उसको कंपेयर करना शुरू करो। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि तुम्हारे दोस्त की नाक कैसी है, नोज कैसी है। तुम देखोगे कि तुम्हारे और तुम्हारी फ्रेंड की नोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सबकी नाक बस ऐसी ही होती है, कुछ कुछ है ना, ये नेजल बोन होती है। तुमको अभी समझने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में मत जाओ, अभी सिर्फ चैप्टर का समझो। जब तुम बायो वगैरह लोगे तब बताएंगे, वरना तो अभी तुम इतना समझो। तो यार यहाँ पे देखो इसकी जो नोज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब इसमें क्या साइज का डिफरेंस है ना। अच्छा अच्छा, अब तुम इसको ना क्या करो, तुम अपने दोस्त को अपने आप से कंपेयर करो और उससे कंपेयर करो। उसके हाथ का साइज देखो, उसके हाथ का साइज देखो, कितना बड़ा है उसका हाथ, उसका हाथ इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, तो हाथ का साइज कंपेयर करो। सब कुछ जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे को पता चला यार मेरी और मेरे दोस्त के बीच में तो काफी सिमिलैरिटीज हैं, है ना। फिर मैंने तुमसे बोला, क्या बोला, तुम अपने दोस्त को उठाओ और उसे क्या करो, बंदर से कंपेयर करा दो।
अरे मंकी, वैसे तो वो बंदर है, वैसे तो वो बंदर ही है, बट चलो कंपेयर करा ही लेते हैं हम। तो मैंने क्या देखा भाई, बंदर की जो है वो एक लंबी सी पूंछ निकली होती है, मेरे दोस्त की है ना भाई? मुझे तो ना लग रहा मेरे दोस्त की पूंछ है, तो इसका मतलब पूंछ का डिफरेंस है। अरे टेल, टेल बोलते हो ना तुम इसको? हाँ ना यार, पूंछ का तो अंतर नहीं है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त जो है वो बंदर से काफी अलग है, मतलब बंदर से तुम बोलोगे उसमें ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है। अगर तुम वहीं पे एक काऊ को ले आओ, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है ना, वही गाय। तो काऊ को अगर तुम लेके आते हो यहाँ पे, तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा दोस्त है उसके और मंकी के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज है। कैसे यार? गाय का स्ट्रक्चर तुम कुछ ऐसा ऐसा देखोगे यार, कुछ इस प्रकार का। अगर तुमको गाय सही से समझ में आ रही है मेरी, क्योंकि मेरी अभी क्या बना दिया मेरे को खुद नहीं पता, बट इमेजिन कर लो गाय है ये। तो अब इसके बीच में और इसके बीच में मंकी के बीच में कितना डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं। गाय को और इसको कंपेयर करोगे तुम तो ह्यूमन से मंकी ज्यादा क्या है, जुड़े हुए हैं। तुमको पता होगा मंकी जो थे वो हमारे एंसेस्टर्स थे, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये थ्योरी सही है, बट कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग मंकीज हमारे एंसेस्टर, मतलब पूर्वज। अरे वही जो पहाड़ों में केव्स में रहते थे, कच्चा कच्चा खाना खाते थे, वही। बहुत अच्छे, बहुत उत्तम, उत्तम, अति उत्तम। इतनी हिंदी मत बोलो सर, इतनी हिंदी तो हमने पूरी फर्स्ट से लेके 9 तक नहीं पढ़ी, आप इतनी हिंदी बोल रहे हो। अरे कोई ना, चलो आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो तुम उस काऊ को ध्यान से देखना, एक्टिविटी है तुम्हारी एनसीईआरटी की। हम हर चीज को एक्टिविटीज अप्रोच में लेके चलते हैं, जिससे तुमको हर चीज इजीली क्लियर हो। देखो तुमने सुना होगा, अगर तुम पैकेट वाला दूध नहीं पीते हो, अमूल और कितनी कंपनीज होती हैं उनका, तो तुम गांव में अगर तुम्हारा कोई रहता है तो तुमने दो काउस के बारे में सुना होगा। एक होती है देसी गाय, अरे देसी गाय का दूध है, और एक होती है जर्सी गाय, जर्सी जो भी बोलना है तुमको। इन्हें जो है वो जर्मन जर्मन जो होती हैं कुछ काउस, उनसे स्विट्जरलैंड, हम लोग जो ब्रीड इंटरब्रीडिंग होती है वो सब भूल जाओ। ये जो मैं शब्द बोला मैंने तुमसे अभी, इंटरब्रीडिंग, इसका मतलब तुमको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। बट अगर तुम्हें इंप्रेशन जमाना है क्लास में, तो अभी बता देता हूं मैं तुमको, इंटर ब्रीडिंग, इंटर का मतलब आपस में, ब्रीड मतलब रिप्रोड्यूस कराना है ना। तो इसमें हम दो डिफरेंट वैरायटी की गायों को लाके आपस में रिप्रोड्यूस कराते हैं। उनका जो प्रोजेनी होता है वो जर्सी गाय बनता है। अच्छा ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। तो अब अगर हम इनके और इन जर्सी गाय के बीच में डिफरेंस देखें है ना, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। हमको क्या मेन डिफरेंस क्या क्या होंगे है ना? अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, यहां पे पूछ सकते हैं तुमसे टीचर्स, क्या जा रहा है उनका, पूछ लेंगे। व्हाट आर द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन? अरे कितने खतरनाक शब्द बोल दिए मैंने है ना, बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब ये बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, मतलब किस आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ आधार तो होंगे ना मेरे पास। अरे तुम कोई बिल्डिंग बना रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए एक आधार तो होता है ना, बेस तो होता है ना। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ बेसिस होते हैं। अब देखो ये देसी गाय और जर्सी गाय में, काऊ में डिफरेंस क्या हो सकता है यार? एक तो डिफरेंस ये हो सकता है ना, अगर तुमने देखा हो कभी इनको, फोटोज में देख सकते हो तुम वैसे तो इनको है ना, जो जर्सी काऊ होती है ना वो थोड़ी एससी सी होती है, मतलब वो थोड़ी बड़ी सी होती है एज कंपेयर टू देसी गाय, और बहुत डिफरेंस होते हैं
है ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ज्यादा डिफरेंसेस, तो तुम बेसिकली इतना समझ लो जो जर्सी गाय काउज होती हैं ये ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, क्यों करती हैं इसकी रीजन हम तुमको क्लास 11 में बताएंगे, अभी है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। और तुमको अगर किसी को पूछना हो तो मेरे को बता देना, मैं पढ़ा दूंगा ये भी, बट इट्स नॉट इन माय सिलेबस। कौन सी बस में? सिले की बस में। अच्छा चलो, अब ना हमने बहुत कुछ कंपेयर कर लिया, अब कुछ छोटा हो जाए। हमने तो मीठा सुना तब छोटा क्या यार, तुमने बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। अरे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखो तुम्हारे इस हाथ पे कितने छोटे 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 लिविंग ऑर्गेनिजम्स चल रहे होंगे, कुछ इस शेप के है ना, कुछ इस शेप के, कुछ इस शेप के। अब ये क्या बना दिया आपने, कुछ ऐसे। अब देखो बैक्टीरिया बेसिकली एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तुम अभी ने पढ़ोगे तुम्हारे पास पूरी किंगडम है। अभी किंगडम क्या होता है भाई, ये भी अभी हम तुमको आगे पढ़ाएंगे। मोनेरा है वैसे तुम्हारे पास किंगडम, भूल जाओ मैंने तुम्हें मोनेरा का नाम बोला था, है ना, इतना तो तुमको क्लियर हो गया होगा ना। अब चलो ये जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया मेरे पास थे कितने छोटे होते हैं, जब तुम्हारे हाथ पे चल सकते हैं तो यार ये माइक्रोमीटर्स में होंगे, माइक्रोमीटर्स में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे जरूर होंगे। अब वहीं पे मैं एक शार्क ले लूं, अरे शार्क वेल्स भाई जानवर होती हैं, फिशेज होती हैं, पानी में रहती हैं, ये तो पता होगा तुमको, नहीं पता तो बता, नेट पे सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ब्लू वेल्स ले लूं मैं यार, कितनी बड़ी होती हैं ब्लू वेल्स, ब्लू है पानी, पानी 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 नहीं, पानी में रहने वाली फिशेज हैं ये। अच्छा वहीं पे मैं कंपेयर कर लूं रेडवुड को, रेडवुड के पेड़ जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, है ना, कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं बेसिकली, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, है ना, एमसीक्यू बन सकता है इसलिए बता दिया तुमको। इनकी जो लाइफ स्पैन होता है ना वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स हो सकता है, मतलब ये हजारों साल तक जी सकते हैं। वहीं पे तुम एक मच्छर को ले लो, मॉस्कीटो को ले लो, मॉस्कीटो, अरे नहीं बोल रहा था, मच्छर मार दिया हमने मच्छर, तो अब उस मच्छर को हमने जब मार दिया तो उसका लाइफ स्पैन क्या हो सकता है, मुश्किल से एक दिन हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। जो मॉस्किटोज होते हैं वो कुछ डेज जिंदा रहते हैं, वहीं पे जो हमारे पास क्या जो ट्रीज हैं रेडवुड के, ये इयर्स थाउजेंड ऑफ इयर्स रहते हैं, तो तुम समझ सकते हो कितना बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा चलो हमने इतना समझ लिया, अब एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस टीचर्स बहुत बार पूछते हैं और हमेशा पूछते हैं, क्लास में भी पूछेंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाई डू वी क्लासिफाई, क्लासिफाई का मतलब तो पता होगा तुमको, अरे किसी चीज को क्या बोलते हैं, जैसे मेरे पास ये है और टेबल चेयर है और तुम हो, तो उसमें अंतर क्या है, क्लासिफिकेशन करना है ना, क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, हम क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई। देखो अभी मैंने तुमको बताया कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं है ना, कुछ जो है हमारा सरफेस पे रहते हैं, कुछ कहीं पे रहते हैं, कुछ कैसे दिखते हैं, कुछ ऑक्टोपस की तरह दिखते हैं, है ना, ऑक्टोपस का नाम पहली बार सुन रहे हैं हम तो, अच्छा पहली बार सुन रहे हो, फ्रॉग तो सुना होगा, अरे मेंढक, है ना, तो कितना डिफरेंस है, तो हम क्यों इन्हें क्लासिफाई करते हैं, जिससे हम इनकी स्टडी को इजी बना सकें, बेसिकली ये रीजन है। एक मार्क्स का क्वेश्चन है वैसे तो ये, तो तुम बोल दोगे सर टू मेक द स्टडी इजियर एंड एक्सेट्रा, अभी तो पढ़ा के चुके हैं, तुमको इंग्लिश में लिख देना जो भी लिखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तुमसे थ्री एग्जांपल्स पूछे हैं, किस चीज के एग्जांपल्स पूछे हैं,
जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म अभी तुमने पढ़ी उनके, अब इसमें क्या लिखोगे तुम? क्या लिखेंगे आप बता दो जरा, हम लिख लेंगे, छाप लेंगे। देखो छापो मत, अभी मैंने तुमको बताया मॉस्कीटो और किसके, रेडवुड वाले एग्जाम्पल दिया था, एक लाइफ फॉर्म ये हो गई। लाइफ फॉर्म मतलब मुझे एग्जाम्पल लिखने हैं कितनी तरीके के, कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। मैंने तुम्हें माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था, है ना, दिया था या नहीं दिया था? मैंने तुम्हें मंकी का एग्जाम्पल दिया था, फिर मैंने तुमको मंकी इनका काऊ का दिया था, तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड के साथ वाला एग्जाम्पल दिया था। तो कितने सारे तो हो गए हैं, ये हो गए काम, ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है तुमको? कोई डाउट नहीं है? नहीं, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, सारा हो गया हमारा काम। अच्छा भाई, बहुत अच्छे, वीडियो अगर एंड तक देखी तो उसके लिए थैंक्स, एंड सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को और नेक्स्ट वीडियो देख लो, ठीक है, चलो बाय।